शुभ संदेश के प्रार्थना के समय में आपका हार्दिक स्वागत और मेरा प्यार भरा शलोम परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं कि वो हर सप्ताह हमें एकत्रित करते हैं और हमें अपने वचनों पर ध्यान देने का ये समय देते हैं मित्रों हम एक बहुत बुरे समय से गुजर रहे हैं और लोग बहुत परेशान हैं हर जगह हम देखते हैं त्राही त्राही मची हुई है इस प्रकार से हम जो जानते हैं वो लोगों का ये हाल है लेकिन जिनको हम नहीं जानते हैं हाल में इसी प्रकार का माहौल है घर वाले परेशान हैं सब भयभीत है हैं डरे हुए हैं इस समय में हमें परमेश्वर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है प्रार्थना की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसलिए हम आपके प्रार्थना के निवेदन लेने के लिए तैयार हैं स्क्रीन पे आपको नंबर्स दिखाई देंगे उन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं हम आपके साथ हैं हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं हम प्रार्थना करके परमेश्वर से आपके लिए सुरक्षा और आपके लिए मदद मांगने के लिए तैयार हैं हमारा परमेश्वर महान है और कृपालु है और वो हमारी प्रार्थना सुनता है और उसका जवाब देता है तो जस्ट फील फ्री टू कॉल एस ऑन द नंबर्स दैट आर ऑन द स्क्रीन एंड वी आर देयर टू स्टैंड विथ यू इन प्रेयर दीज आर डिफिकल्ट टाइम्स दैट वी आर गोइंग थ्रू तो आप प्लीज़ फील फ्री टू कॉल एस अप एंड वी विल बी प्रेइंग विथ यू मित्रों हम जो पोर्शन कर रहे हैं उसमें आगे जाने से पहले आइए हम प्रार्थना करें और फिर हम आज के पाठ को देखेंगे सर्वशक्तिमान प्रिय परमेश्वर पिता हम तेरे नाम का धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता हम उन सारे परिवारों को याद करते हैं जिन्होंने अपने प्रियजन को खोया है कितने हमारे प्रियजन हैं जो हमसे दूर हो गए हैं परमेश्वर पिता तीन दिन चार दिन पाँच दिन और वहाँ से वहाँ ख़त्म हो गए परमेश्वर पिता फैमिलीज़ को उनकी शक्ल भी देखने को नहीं मिली हम विनती करते हैं प्रभु जी कि जिस सदमे में लोग बैठे हुए हैं और पड़े हुए हैं उस सदमे से तू उन्हें निकालेगा जिस दुख के सागर में लोग डूबे हुए हैं परमेश्वर उस सागर से तो दुख के सागर से उन्हें बाहर निकालेगा परमेश्वर पिता तू दया करने हारा परमेश्वर है और तू दया करेगा शैतान की हर शक्ति को तू परमेश्वर अपने पांव तले कुचलेगा और हमें मुक्ति देगा और हमें छुड़ाएगा परमेश्वर पिता प्रभु जी अपना नेक और मजबूत हाथ बढ़ाकर हर एक को छू ले बापू जैसे तूने हम पढ़ते हैं तूने किया परमेश्वर तू आज कल और युगान युग एक सा परमेश्वर है आज भी तू वो काम कर सकता है हमारे प्रिय मित्रों को तू छू ले और उनमें से एक एक को आशीर्ष से परिपूर्ण कर परमेश्वर पिता हम अपने आप को तेरे हवाले करते हुए पवित्र आत्मा आपसे विनती करते हैं कि जब हम आपके पाठ को पढ़ते हैं हमें उससे बोलने सुनने और समझने की परमेश्वर पिता शक्ति दे क्षमता दे आशीषों के लिए धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते सुन और ग्रहण कर आमीन आमीन और आमीन तो मित्रों पिछले हफ्ते जो शीर्षक हमने लिया था वो था कि मैंने अपनी खाली नाव ईशु को दी हाँ शिमोन ने अपनी खाली नाव ईशु को दी थी और हमने देखा था कि उसके बदले में उसे क्या मिला प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि तू अपना अपनी नाव आगे ले चल पहले तो प्रभु यीशु मसीह ने उपदेश दिया लोगों को और जब उपदेश दे चुका तब कहने लगा कि अपनी नाव गहराई में ले चल और अपना जाल तू फेंक और पतरस ने कहा उससे कि प्रभु रात भर हमने बहुत मेहनत की है और मछली पकड़ने का समय रात में होता है क्योंकि रात में मछलियाँ ऊपर आती हैं और जब हम जाल फेंकते हैं तो हम उन्हें बटोर पाते हैं लेकिन अभी तो रात नहीं है और इसलिए मछलियाँ सारी की सारी गहराई में होंगी हम जाल फेंकेंगे भी तो हमारे हाथ कुछ नहीं लगने वाला लेकिन प्रभु यीशु मसीह से वो कहता है कि हमने तो बहुत मेहनत की और कुछ हमारे हाथ नहीं लगा तो भी तेरे बोलने पर मैं जाल फेंकने के लिए तैयार हूँ और हमने पढ़ा था कि उसने जाल फेंका और जाल फेंकने के बाद जब वो जाल को समेटने लगे तो उसमें इतनी इतनी मछलियाँ थी कि वो उसे संभाल ना पाए और उन्होंने अपने साथियों को इशारा किया और उन्हें बुलाया और उनसे कहा कि खाली नाव भी लेते आओ और तुम भी हमारी मदद करने के लिए आ जाओ ताकि हम सब मिलकर इन मछलियों को जमा कर सकें और दोनों नाव उन मछलियों से भर गई और इतनी ज़्यादा भरी कि नाव डूबने लगी और वो खेकर अपनी नाव को तट पर लेकर आए मित्रों सच बात है जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं जब हम उसका कहना मानते हैं उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं तो हम जब शुरुआत हमारी होती है तो हम अपनी खाली नाव ही प्रभु यीशु मसीह के हाथ में देते हैं लेकिन जब हम अपनी खाली नाव प्रभु यीशु मसीह के हाथ में देते हैं तो वो इतनी आशीषों से भर देता है ना सिर्फ़ हम आशीषित होते हैं लेकिन हमारे द्वारा और बहुत से लोग भी आशीष पाते हैं तो हम अपने अपने जीवन को परमेश्वर के हवाले करने से ना डरे ना झिझकें लेकिन अपने जीवन को और जो कुछ भी हमसे मांगता है उसके हाथ में सौंपने से हम बेझिझक उसे दे दें ताकि वो हमारी जीवन को आशीष से भर सके तो वो दोनों नाव भर गई और दोनों नाव किनारे पे वो लेकर आ गए लिखा है कि यह देखकर कर शमोन पथरस के पांव पर गिरा और कहा हे hey प्रभु मेरे पास से जा क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ तो शिमोन पथरस ने जब यह देखा उसे मालूम था अच्छे से मालूम था कि उनके हाथ एक भी मछली नहीं आएगी क्योंकि वो मछुआ था उसे मालूम था अच्छे से मालूम था मछली कैसे पकड़ते हैं कब पकड़ते हैं और किस किस प्रकार से उन्हें अपने जाल में लिया जाता है लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि प्रभु के कहने पर जब उसने जाल फेंका रात भर मेहनत की कुछ हाथ नहीं लगा ये एक आश्चर्य कर्म था और दोनों नाव लिखा है दोनों नाव डूबने लगी इतनी ज़्यादा मछलियाँ उन्होंने पकड़ी और जब ये बात शिमोन ने देखी तो वो प्रभु यीशु मसीह के पैरों पर गिर पड़ा और उससे कहने लगा तू हमें छोड़कर चले जा हमने पिछले अध्याय में देखा था कि वहाँ के लोग प्रभु यीशु मसीह से कह रहे थे हमें छोड़ के ना जा क्योंकि उन्हें फ़ायदा हो रहा था प्रभु मसीह बीमारियों को चंगा कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि हमें बस ऐसे ही आशीष देते रहे हम तेरे छत्र छाया में रहना चाहते हैं आशीष से परिपूर्ण होकर रहना चाहते हैं तू हमारे साथ रह हमें छोड़ कर ना जा लेकिन यहाँ हम कुछ उल्टा ही देखते हैं हम यहाँ देखते हैं कि वो उसके पाँव पर गिर पड़ा और उसके पाँव पर पर गिर कर कहने लगा हे hey प्रभु मेरे पास से जाए क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ उसे अपने पाप नज़र आए हाँ मित्रों जब हमारी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से होती है और जब उसकी रोशनी हम पर चमकती है तब हमें अपनी गंदगी अपने पाप नजर आते हैं पवित्र आत्मा हमारे ऊपर जब वो रोशनी पड़ती है तो हमें ये बताती है कि हमारे अंदर कितनी गंदगी भरी हुई है हम कितने पाप में डूबे हुए हैं हमारे विचार कितने गंदे हैं हम आँखों से गंदी चीज़ें देखते हैं कानों से गंदी चीज़ें सुनते हैं हमारे हाथ गंदे काम करते हैं पाँव हमें गंदी रास्ता ले जाते हैं और हमारे जो मन में जो आश दुराशाएँ उठती हैं वो गंदगी से भरी हुई होती हैं ये किसी को नहीं मालूम होता क्योंकि इंसान ऊपरी हमारा देखता है वेश देखता है हमारे ऊपरी काम देखता है हमारे मन के विचार वो नहीं जानता और वो सोचता हम बहुत अच्छे हैं लेकिन परमेश्वर तो हमारे मन के विचारों को जानता है और जब प्रभु ने उसकी ओर देखा होगा शिमोन की ओर देखा होगा तो उसकी सारी जिंदगी में उसने जितने पाप किए एक फिल्म की तरह सारे के सारे पाप उसके सामने आ गए होंगे और उसने पाँव पर प्रभु के गिर के कहा तू मुझे छोड़कर कर यहाँ से चला जा क्योंकि मैं इस लायक नहीं हूँ प्रभु कि तू मेरे साथ रहे और वो पाँव पर गिरकर उससे विनती करने लगा कि तू मुझे छोड़कर चले जा मैं पापी मनुष्य हूँ उसने अपने पापों को मान लिया क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ था यदि वो लोग थोड़ी बहुत मछलियाँ पकड़ते तो इतना ताजुब नहीं होता हाँ हो सकता है थोड़ी मछलियाँ अंदर हों थोड़ी बाहर आई हों और वो पकड़ाई में आ गई लेकिन इतनी ज़्यादा मछली तो वो रात में भी नहीं पकड़ पाते जब मछलियाँ ऊपर आकर तैरती हैं ये एक अद्भुत कार्य था परमेश्वर का एक दिव्य कार्य था इट वॉज़ अ डिवाइन एग्जिबिशन ऑफ हिज पावर तो यहाँ पर वो कहता है कि ये इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंबा हो रहा था वो ताजुब में पड़े थे कि इतनी मछलियाँ आखिर आईं तो आएँ कहाँ से और पिछले हफ्ते मैं कह रही थी कि हो सकता है कि ये मछलियाँ अपने सृष्टिकर्ता को देखने आई हूँ उससे हलो बोलने आई हूँ यह हो सकता है कि उसने खुद उन्हें बुलाया हो आ जाओ और जहाँ जहाँ वो मछलियाँ थीं और जहाँ जहाँ से उन्होंने उसकी आवाज़ सुनी उसकी आवाज़ से आकर्षित होकर और नाव के पास चली आईं और जाल में फंस गईं तो उन्हें बहुत अचंभा हुआ और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और योहन्ना को भी जो शिमोन के सहभागी थे अचंबा हुआ तो शिमोन जो दूसरी नाव थी वो याकूब और योहन्ना की थी और मित्रों ये तीन थे याकूब योहन और पतरस ये तीनों शिष्य थे जो प्रभु यीशु मसीह के इनर सर्कल में थे जो उसके बहुत पास थे कहीं भी प्रभु यीशु मसीह जब जाते थे कोई खास काम के लिए तो याकूब योहन और पतरस को लेके जाते थे ये तीनों उनके बहुत करीब थे और हर जगह उनके साथ जाते थे जब वो पहाड़ पर चढ़े और जब उनका रूपांतर हुआ तो ये तीनों उनके साथ थे जब या की बेटी को वो चंगाई देने के लिए गए थे वो मर गई थी और उसे उन्होंने मृतकों में से जिंदा किया था तब भी उन्होंने अंदर सारे शिष्यों के साथ तो गए थे लेकिन याकूब योहन और पथरस को लेकर अंदर गए जब वो गेटसेमनी के बाग में भी गए थे उस समय भी उन्होंने याकूब यौहना और पथरस को अपने साथ लिया और कुछ आगे बढ़कर उन्होंने उस उनसे कहा यहाँ प्रार्थना करते रहो और और थोड़ी आगे जाकर वो प्रार्थना करने लगे तो ये उनके पहले शिष्य थे और ये उनसे बहुत प्रीति रखते थे और उनके बहुत करीब थे और उनके साथ हमेशा रहते थे और उन्हें भी बहुत ताज़ुब हुआ याकूब और योहन्ना ये सहभागी थे पतरस के तीनों मिलकर और मछलियाँ पकड़ते थे और एक दूसरे की मदद करते थे और मछलियाँ पकड़ते यदि हम देखें मित्रों मछली कैसे पकड़ी जाती है तो हम सोचते हैं कि एक मछुआ जाता है और अपना जाल डालता है और मछली पकड़ के ले आता है समुंदर में ऐसा नहीं होता है समुंदर में जब मछली पकड़ने के लिए जाया जाता है तो पूरा समूह जाता है मछुआरों का और वो जाके और जाल को बहुत दूर दूर तक वो जाल को फैला के आते हैं और फिर सब अपनी अपनी नाव से घेर लेते हैं उस एरिया को उस क्षेत्र को और फिर उस जाल को धीरे 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 समेटते हैं और जब मछलियाँ आती हैं तो सारे के सारे मिल के उस जाल को खाली करते हैं तो इस प्रकार से ये सहभागी थे देवर पार्टनर्स और ये इन्हें भी बहुत अचंभा हुआ कि इतनी सारी मछलियाँ कहाँ से आई और वैसे ही शब्दी के पुत्र याकूब और यहुन्ना को भी जो शिमोन के सहभागी थे अचंभा हुआ तब यीशु ने शिमोन से कहा मत डर अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा मित्रों जब हम आशीष पाते हैं तो हम हम स्तब्ध रह जाते हैं कि ऐसा कैसा परमेश्वर ऐसी कैसी आशीष ऐसे कैसे आश्चर्य कर्म और हम परमेश्वर की गिर कर शिस्ता करते हैं और उसे उसकी महानता को जानते हैं यहाँ पर प्रभु कह रहा है कि तुमने मेरी महानता को जाना है मैंने भी तुम्हें कोई विशेषता पाई है इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ मैं आशीष देने को तैयार हूँ लेकिन क्या मैं तुम्हारा इस्तेमाल कर सकता हूँ परमेश्वर ने पहले उन्हें आशीष दी पहले उसके नाव इस्तेमाल की नाव इस्तेमाल करके उसे आशीष दी अब उससे कह रहा है कि तुझे मैं इंसान को पकड़ने का मछुआ बनाऊंगा, मनुष्यों को जीवित तुम जीवता पकड़ा करेगा और वे नाव के किनारे पर नावों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए जब बिजनेस अच्छा उनका होने लगा इतनी ढेर उन्होंने मछलियाँ पकड़ी बहुत बढ़िया सेल हुआ होगा उनका और बहुत से पैसे उन्होंने जमा किए होंगे और जब ऐसा होता है हमें सफलता मिलती है अपने बिजनेस में अपने व्यापार में तो हम और प्लान्स बनाने लगते हैं कि अब हम इतना पैसा एक्स्ट्रा आया है अब हम इससे और बड़ा जाल ले सकते हैं इससे और बड़ी नाव ले सकते हैं हम और थोड़े से लोगों को किराए पे हायर कर सकते हैं ताकि वो भी आके हमारी मदद कर सकेंगे मजदूरी हमारे साथ कर सकेंगे और हम अपने व्यापार को और आगे बढ़ाएंगे दिस इज़ अ नेचुरल टेंडेंसी इस प्रकार से हर एक इंसान सोचता है लेकिन यहाँ हम तीनों को देखते हैं कि जब उन्हें ज़्यादा लाभ हुआ उनके व्यापार में जब उन्हें और बहुत सी आशीष मिली तो उन्होंने उस सब आशीष को पीछे छोड़ दिया और उसके पीछे हो लिए मित्रों हम किसके पीछे भाग रहे हैं हम क्या आशीषों के पीछे भाग रहे हैं या आशीष देने वाले के पीछे भाग रहे हैं हमें वो जो कहानी मालूम है जो हम सोना सोने का अंडा देने वाली मुर्गी कैसे एक मुनि ने एक किसान को वो सोना का अंडा देने वाली मुर्गी दिया था क्योंकि वो उससे प्रसन्न हुआ था और रोज़ वो मुर्गी एक सोने का अंडा दिया करती थी और वो किसान उस सोने के अंडे को बेचकर और अपना निर्वाह करता था और एक दिन उसने सोचा कि मैं क्यों रोज़ रोज एक एक अंडा एक एक अंडा एक एक अंडा बेचता हूँ और फिर उससे अपना निर्वाह करता हूँ यदि मैं इस मुर्गी को काटूँगा तो इसके पेट में मुझे ढेर सारे अंडे मिलेंगे और अगर मैं उन अंडों को बेचूँगा तो मैं धनवान बन जाऊँगा और उस लालच में आके उसने मुर्गी को काटा और उसके अंदर केवल एक अंडा मिला और मुर्गी भी ख़त्म हो गई और हमने सीखा था कि लालच बुरी बला है तो मित्रों हम आशीष के पीछे भागते हैं हम अमीर बनने की कोशिश करते हैं हम पैसों के पीछे भागते हैं हम अपने नाम और शान शौकत के लिए भागते हैं जहाँ से भी मिल जाए हम उसे हासिल करने के लिए भाग पड़ते हैं हम परमेश्वर को भी पीछे छोड़ देते हैं मित्रों लेकिन यहाँ पर ये लोगों ने ठीक परख की इन्होंने आशीष के ओर नहीं देखा लेकिन आशीष देने वाले की ओर देखा कि अगर ये एक समय में सिर्फ एक बार हमने इसे अपनी नाव दी और इसने हमें इतनी आशीष से भरपूर किया तो यदि हम अपनी अपना जीवन पूर्ण रीति से इसे दे देंगे तो हम और कितने आशीषित होंगे और मित्रों आज मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि बेझिझक और बिना कोई शक किए हुए अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए वो अच्छा खुदा है वो कृपालु है वो दयालु है वो सर्वशक्तिमान है वो परम प्रधान है वो हमारे लिए हर एक काम कर सकता है उसके लिए कोई काम असंभव नहीं है मित्रों और सबसे अहम बात ये है कि वो हमसे प्यार करता है और उसका वचन कहता है तुमने मुझे नहीं चुना लेकिन मैंने तुम्हें चुन लिया है कितनी अजीब बात मित्रों इस दुनिया में हज़ारों करोड़ों लोग भरे पड़े हैं लेकिन प्रभु परमेश्वर मेरे ऊपर और आपके ऊपर उंगली रख के कहता है मैंने तुम्हें अपने लिए चुन लिया है यदि कोई बड़ी कंपनी के इंटरव्यू में हम सफलता प्राप्त करते हैं तो हम कितने खुश हो जाते हैं यदि हमारे बच्चे उस इंटरव्यू में पास होकर सेलेक्ट हो जाते हैं हर एक को हम फ़ोन कर, कर के वो बात बताते हैं आपको मालूम ये इतनी बड़ी कंपनी के इतने बड़े ओहदे पर मेरे बेटे का या मेरी बेटी का सिलेक्शन हो गया है और उस कंपनी ने मेरे बेटे को या मेरी बेटी को चुन लिया है या मेरे पति को चुन लिया है मित्रों परम प्रधान परमेश्वर जो हृदयों को जांचने वाला है उसने मुझे और आपको चुन लिया है इससे बेहतर और बड़ी बात हो ही नहीं सकती और यदि उसने हमें चुन लिया है उसने हमें चुना कि हम लिखा है बहुत क्लियरली उसने यहाँ पर कहा अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा देर इज वैकेंसी परमेश्वर के यहाँ नौकरी खाली है मनुष्यों के मछुआ मछुओं की कम आई विल मेक यू फिशर्स ऑफ मैन कहता है वो इंग्लिश में तो मित्रों हमें उसे अपने आप को देना है अपने जीवन को देना है उससे कहना प्रभु मुझे ले और मुझे इस्तेमाल मिला आज मेरी फ़ोन पर एक लड़के से बात हुई और वो लड़का जो है वो मिनिस्ट्री में है वो उसकी मिनिस्ट्री जो है वो है भूखों को खाना खिलाता है वो जो ऑर्फेंस हैं जो डेस्टिट्यूट हैं जिनका कोई नहीं है जो रोड पे घूमते फिरते रहते हैं खाना बना के वैन में ले के जाता है और वहाँ उन्हें बांटकर कर आता है और मेरे बेटे ने उसे फ़ोन किया और बताया कि मैं अपनी माँ के साथ काम करता हूँ और मेरी माँ का नाम मधुबाला है और उस लड़के ने पूछना शुरू कर दिया कि क्या आपकी माँ इस जगह में रहती थी क्या आपकी माँ मिनिस्ट्री में हैं और कब से हैं और सारे डिटेल्स पूछ के कहने लगा जब मैं जवान था और यदि आज मैं मिनिस्ट्री में हूँ मित्रों जब हम इंसान को पकड़ने लगते हैं प्रभु के लिए तो हमारी जो ये कोशिश होती है और जो मेहनत होती है वो वेस्ट नहीं जाती है आज वो लड़का हज़ारों की तादाद में लोगों को खाना खिला रहा है जवान लड़का है वो और उसकी पत्नी दोनों मिल के में लगे हैं और औरों को पकड़ रहे हैं ताकि उन्हें भी वो मछुए बना सकें कोशिश जारी रखिए लोगों तक परमेश्वर का सुसमाचार पहुंचाते रहिए लोगों के सामने गवाही देते रहिए लोगों को प्रभु के बारे में बताते रहिए लोगों के लिए प्रार्थना करते रहिए हमारे चारों तरफ कितने लोग हैं जो उद्धारकर्ता को नहीं जानते अपने पाप में मर रहे हैं इतने जनों की कितने बचाए गए हैं कितने उद्धार कितनों ने उद्धार पाया और कितनों ने प्रभु के बारे में सुना भी नहीं मित्रों ये हम सब के लिए एक ताड़ना है ख़ास तौर पे उनके लिए जो प्रभु को जानते हैं और दूसरों के लिए ना प्रार्थना करते हैं और ना ही दूसरों के साथ वचन बाँटते हैं मित्रों हमें एक दिन परमेश्वर के सामने खड़े होकर जवाब देना होगा कि उसने जो ये वचन हमें दिया था उसने जो हमारा उद्धार किया था हमने किस प्रकार से उस उद्धार को दूसरों तक पहुंचाया है हम सबका फ़र्ज़ बनता है कोई बहाना कोई नहीं बता सकता कि हमने इसलिए नहीं किया हम सबको ये काम करना है क्योंकि उसने कहा शमोन से और योहन्ना से और याकूब से कि अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा और वे नाव को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए क्या आज आप तैयार हैं अपना सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लेने के लिए सब कुछ ना छोड़ें क्या आप तैयार हैं दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए या अपनी गवाही देने के लिए या परमेश्वर के वचन को उन तक पहुंचाने के लिए मित्रों यहाँ हमने देखा उन्होंने सब कुछ छोड़ा और प्रभु के पीछे होलिए आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस नो टर्निंग बैक नो टर्निंग बैक ईशु के पीछे मैं चलने लगा ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। आइए हम प्रार्थना करें परम प्रधान परमेश्वर पिता प्रभु जी हम अपने आप को तेरे हवाले करते हैं कि हमने तुझे नहीं चुना लेकिन तूने हमें चुन लिया है प्रभु जी हम विनती करते हैं परमेश्वर जैसे या को योहन और पतरस ने अपना सब कुछ छोड़ा और तेरे पीछे हो लिए हम भी आशीषों की तरफ नहीं लेकिन आशीष देने वाले की ओर देखें परमेश्वर पिता हम दुनियादारी के पीछे ना भागें लेकिन हम परमेश्वर के पीछे भागने वाले बन सकें हम परमेश्वर के साथ चलने वाले बन सकें हम परमेश्वर की आज्ञा मानकर और उसकी राह पर चलने वाले बन सकें और ना सिर्फ हम लेकिन हम दूसरों को भी उसके पास ले आएँ क्योंकि उसने कहा कि तुम को मैं इंसान को पकड़ने वाला मछुआ बनाऊंगा। आई विल मेक यू फिशर्स ऑफ मैन प्रभु जी हमें वैसा मछुआ बना ताकि हम लोगों तक तेरे वचन को पहुंचा सकें और उन्हें तेरे पास लेकर आ सकें प्रभु जी हम सारे अपने मित्रों को याद करते हैं जो आज परेशानी में हैं तकलीफ़ में हैं परमेश्वर जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है या बीमार हैं परमेश्वर हम विनती करते हैं प्रभु कि तू अपना नेक और मजबूत हाथ बढ़ाकर परमेश्वर तू उन्हें छुएगा और उन्हें मुक्ति देगा परमेश्वर पिता छिड़ौती देगा और उनकी मदद और तो रखवाली करेगा हम सब के साथ हो और जब तक हम फिर से एक बार नहीं मिलते प्रभु जी तब तक हमारी मदद और तो रखवाली कर प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं सुन और ग्रहण कर आमीन आमीन और आमीन जय मसीह मित्रो, के मित्रों परमेश्वर आपके साथ हो और सारे हफ्ता आपको सुरक्षित रखे परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो आमीन